हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हाउ दुबई क्राउन प्रिंस स्पेंड हिज बिलियंस का रिएक्शन। एंड जो है ये क्राउन प्रिंस और दुबई के बारे में तो सुना हुआ है कि लाइक इनके पास तो तेल के कुएं होते हैं और बिल्कुल ही मतलब ये लोग मतलब नहाते भी तेल से हैं। इतना इनके पास फ्री में भी तेल मिल रहा होता है, इनके लिए पानी ज़्यादा महंगा होता है तेल से, ऐसे रहता है इनका मतलब। क्योंकि ऑफकोर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया हुआ है। एंड ऑफकोर्स अगर आप पूरे दुबई को देखो तो आपको दिखेगा कि भाई पैसा जो है भर भर के है दुबई के अंदर। एंड उसको इन्वेस्ट भी किया गया, उसी तरीके से बनाया गया। सो उसी तरीके से वो क्राउन प्रिंस रहेंगे और वो ऐसे रहेंगे। तो देखना है ये वीडियो में किसी ने भेजी है कि ये वीडियो देखो आप बिल्कुल चौंक जाओगे वो कैसे रहते हैं क्या रहते हैं। तो मतलब जरूर देखते हैं। और मेरे लिए ये ना बहुत मतलब ऐसी अनोखी सी बात नहीं होगी अगर इसमें मतलब बहुत कुछ बताया कि ऐसे दिखते लग्जूरियस लाइफ, बहुत बड़ी बात नहीं होगी बोलने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम दुबई में मुझे ऐसे लगता है ना कोई बहुत मिडिल क्लास टाइप होगा ना, वो भी इंडिया का बहुत अमीर ही आदमी होगा। और मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ के शेख तो अपने मतलब कि पेट शेरों को रखते हैं, शेर इनके पेट होते हैं और ये बहुत ही अमीर होते हैं। यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा अमीर है, जैसे पार्थ ने बोला तेल के तो कुएं ही है। तो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही है, मेनली दुबई में ऐसा ही है कि दुबई में लेबर फोर्स भी है जो इंडिया से जाती है, पाकिस्तान से जाती है। हाँ। पर दुबई में फिर मेनली जो अमीर लोग हैं वैसे भी लोग हैं। तो देखते हैं फिर ये कैसा होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। शेख हमदान के पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोग ये पैसा गिनने के लिए बैठे तो इनको एक साल लग जाएगा। खुशामदी नाज़रीन, दुबई के शाही खानदान के आगे छोटे मोटे टीवी स्टार्स किसी मजदूर से कम नहीं है। उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है पैसा। माय गॉड, गाड़ी तो देख। दुबई के शाही खानदान के पास कितना पैसा है, हर वक्त पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद भी आखिर इस खानदान के पास पैसा खत्म क्यों नहीं है। इस टॉपिक पर मजीद जानने के लिए जरूरी है कि हम एक नज़र दुबई के शहजादे पर। दुबई के शहजादे का पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। वाह, लेकिन ऐसा जैसे पांच लोगों का नाम होगा। फाजा के नाम से जानते हैं। फाजा। शेख हमदान के पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोगों के पैसा गिनने के लिए बैठे तो इनको एक साल लग जाएगा। जरा एक नजर इनकी 1,000 करोड़ रुपयों की प्राइवेट यार्ड पे भी डाल, जिसको स्मरल्डा भी कहा जाता है। इस यार्ड पर वो सुकून और आराम पाया जा सकता है जो शायद किसी बड़े से बड़े 7-स्टार होटल पे भी ना मिलता हो। इस 7-स्टार यार्ड पे 24 कमरे तो सिर्फ नौकरों के हैं जो सफाई सुथराई से लेकर लजीज खाना बनाने के एक्सपर्ट हैं। ये यार्ड शेख हमदान सिर्फ 5 से 10 लोगों की पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इनके पास 400 मिलियन डॉलर यानी 6,000 करोड़ रुपयों की एक और यार्ड भी है, जो यार्ड के नाम से जानी जाती है। इस यार्ड में 48 शाही मेहमान ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा इसमें 90 नौकरों के कमरे भी हैं जो इस 6,000 करोड़ के जहाज की खिदमत करते हैं। शेख हमदान के पास इसके अलावा 300 फुट लंबी दुबाबी सुपर यार्ड और कंट्रोलिंग शेड भी है। शेख हमदान के भाई मंसूर ने भी भाई को अकेला आगे नहीं जाने दिया। उसने भी 10 मिलियन डॉलर यानी 150 करोड़ की यार्ड खरीदी। तू भी खर्चा कर, मैं भी खर्चा करूंगा। से जानी जाती है। अब समंदर से निकलकर जमीन पे आते हैं। जमीन पर भी शेख हमदान खर्चा करने में किसी से पीछे नहीं है। 2.5 करोड़ रुपयों की लग्जरी मर्सिडीज G63 AMG से लेकर 4 करोड़ रुपयों की मर्सिडीज AMG SLS तक। क्या बात है यार, कितनी मैग कर रहे, मुझे तो टच करने कौन का। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप शेख हमदान या उसके भाइयों में से किसी को इससे कमतर गाड़ियों में सवार होते देखे। शहजादे की गाड़ियों की कलेक्शन में इसके अलावा फरारी ला फरारी, लैम्बोर्गिनी वेलेरो, मैक्लारेन P1, बुगाटी वेरॉन, फरारी F12, यॉट ले लेता उसके लिए गाड़ियां क्या ही है यार, एक मुझे गिफ्ट कर दो। ये सब शेख हमदान की कलेक्शन है। इनके भाई मंसूर भी मर्सिडीज वैगन से कम बात ही नहीं करते। और यही हाल है शेख खानदान की पूरी फैमिली का। इस फैमिली के पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों की कुल तादाद 100 से भी ज्यादा है, जिसमें गाड़ियों के जमाने नाम BMW, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, फरारी और विंटेज कार्स शामिल हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल का बहुत कॉस्ट आ जाता होगा। अपग्रेड पे कितने पैसे खर्च करते हैं। इनकी अपग्रेड्स ये नहीं होती कि गाड़ी में लेदर सीट कवर्स लगवा लिए या फ्रंट कैमरा लगवा लिया, तो इनकी अपग्रेड्स का मकसद होता है कि गाड़ी के ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक छोटे से गोल्ड सेट की कीमत 25 से 30 लाख की होती है। पूरी गाड़ी की गोल्ड प्लेटिंग की कीमत का अंदाजा आप खुद लगाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में गाड़ी का गोल्ड प्लेट करवा लिया कीमत का अंदाजा जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि इससे भी बढ़कर क्या है, 40 करोड़ रुपयों की ऊंटनी।
जी हाँ, शेख एक जगह इंतहाई खूबसूरत नजर आई। शेख ने वहीं अपना कारवान रोक कर वो ऊँटनी उसकी कीमत से भी ज्यादा पैसे देकर अपने नाम कर ली, और ये ऊँटनी थी 40 करोड़ रुपयों की। एक तरफ तो शेख ऊँटनी क्या देती थी भाई, लेकिन दूसरी तरफ शेख हमदान एक इंतहाई दरिया दिल इंसान भी साबित हुए। एक शख्स ने अपने कैंसर के इलाज के लिए शहजादे से अपील की तो शहजादे ने 10 करोड़ रुपए का बिल अपनी जेब से अदा कर डाला। इसके अलावा शहजादे ने दुबई के दिमागी हॉस्पिटल को फ्री इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए भी अपील किया। शेख हमदान और दुबई के शाही खानदान की शाह खर्चियाँ और दरिया दिली के कमेंट सेक्शन में जरूर दे। कितना ज़्यादा पैसा है इनके पास, मतलब ओवर ही दे रखा है मतलब भगवान ने यहाँ पे इनको, क्योंकि यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा उड़ाई जा रहे हैं। मतलब ये तो दुबई क्राउन प्रिंस के बेटे हैं दोनों के दोनों, और एक का बता रहे थे कि एक इस तरीके से करता है एंड यहाँ पे दूसरा वैसे करता है, तो यहाँ पे इतना पैसा है इनके पास कि ये लोग मतलब ऊँटों के ऊपर इतना पैसा लगा रहे। ऊँटनी में पता नहीं इनको क्या मिल गया, ऊँटनी पता नहीं कोई सोने के अंडे देती थी क्या करती थी, पर इनको सोने के अंडे का करना क्या है, ये तो मतलब अपनी गाड़ी पर सोने की परत चढ़ाते हैं, तो वैसा उनका है। और इतनी तरह मतलब उन्होंने अपनी वही गाड़ियां, तो मतलब जितनी गाड़ियां थी उनके पास 70-80-100 गाड़ियां की बता रहे, तो वो तो मतलब ही नहीं रखती, बिकॉज उन्होंने इतने बड़े बड़े यॉट ले रखे हैं, करोड़ों के यॉट ले रखे हैं, एंड वहाँ पे लोगों को ठहराते हैं जस्ट इसलिए बिकॉज कि उनको जब आना हो और जब वो रहना तो वो ठाट से रह सके और उस तरीके से रह सके। तो यही चीज़ है, बिकॉज ये नॉर्मली चीज़ें जो होती है ना, अगर कभी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कर रही होती है या फिर कोई ऐसे अमीर लोग कर रहे होते हैं या फिर मतलब जो पावर में होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर दुबई में लोग गुस्सा इसलिए नहीं होते बिकॉज वो दुबई को इतना ज़्यादा मतलब उस पर भी काफ़ी खर्चा करते हैं एंड दुबई को उन्होंने टॉप क्लास बना रखा है, बट जिस टाइम पर उन्होंने थोड़ा सा भी ऐसा किया कि दुबई में थोड़ा सा पैसा कमी हुई ना, तो वहाँ पर लोग ऐसे टर्न आउट होंगे ना कि भाई आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो होंगी वो शायद थोड़ी सी इनको हैरान कर सकती है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इसकी कि चलो ठीक है वो पैसा तो उड़ाते हैं लेकिन उन्होंने मतलब वो चैरिटी भी करते हैं, ठीक है भगवान भी उसको ही पैसा देता है जो खुद भी मतलब दूसरों की मदद करता है। तो उन्होंने मतलब 10 करोड़ एक कैंसर पेशेंट को दिए, और भी काफ़ी हॉस्पिटल है जहाँ पे वो डोनेट करते हैं, वहाँ पे मरीजों का इलाज फ्री में होता है उनकी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और रही बात वो 40 करोड़ की ऊँटनी की, तो मुझे सीरियसली बहुत रिडिकुलस लगा कि मतलब इतना पैसा आप एक ऊँट पे क्यों लगा रहे हो, मतलब उन्होंने मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा उस ऊँटनी में क्या देखा कि उनको ऐसा उनके दिमाग में बस ये आया कि मुझे ये चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि यार एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान, उसकी पूरी ज़िंदगी रह जाती है कि एक BMW खरीदने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और इनके पास तो ऐसी लग्जूरियस कार 100 से भी ज़्यादा है, तो सोचो कितना इनके पास पैसा होगा। और सबसे मेरे लिए शॉकिंग ये था जब उन्होंने बोला कि अगर 20 लोग बैठेंगे मतलब दिन के, और वो मतलब काउंट करते रहेंगे पैसे, तब भी उनका साल लग जाएंगे, 200 लोग काउंट करते रहेंगे इनके पैसे तब भी एक साल पूरी लग जाएगी इनका पैसा काउंट करने में, तो सोचो उनके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा। और इसमें बोला था कि शाहरुख खान सलमान खान के आगे क्या, इवन अंबानी भी मुझे लगता है कि क्या ही हुआ इनके सामने, क्योंकि इनके पास तो कुछ एक्सट्रीम ही पैसा है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको मतलब ये कैसे लगता है, लाइक ये सीरियसली चैरिटी करते हैं कि ये सिर्फ दिखावा ही करते हैं। वही ये तो है, लेकिन अंबानी के पास तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है, वो तो ऑफकोर्स बिलियनर ही है ही खुद भी, लेकिन ये है कि इनके पास पूरा स्टेट है और पूरा मतलब अब कैसे तो पूरी कंट्री है, तो फिर इनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो यहाँ पे आप वीडियो जो थी बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं स्ट्रेंज करने वाली थी, आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।